नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने नामांकन के पहले दिन अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि उमा भारतीय की जनशक्ति पार्टी से विधायक बनने के बाद लक्ष्मण तिवारी भाजपा में शामिल हो गए थे। मूगंज से विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी 2023 के चुनाव में सिरमौर से भाग्य आजमा रहे हैं। 2023 के चुनाव में लक्ष्मण तिवारी समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी हैं, जिन्होंने आज अपना पहले दिन ही नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि सिरमौर से भाजपा प्रत्याशी दिव्यराज सिंह, कांग्रेस से रामगरीब बनवासी, आप पार्टी से सरिता पांडेय चुनाव मैदान में हैं। सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी ने अपना नामांकन कलेक्ट्रेट में सिरमौर विधानसभा से भर दिया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिद्धार्थ मिश्रा हैं। क्या कुछ कहना आपका? जी बिल्कुल, एक लंबे टाइम से, तीन सालों से, लगभग पिछले तीन सालों से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में लगातार उनका संघर्ष, जनता के मुद्दों को लेकर वो संघर्ष करते रहे हैं। आज समय आ गया है, चूंकि 2023 के निर्वाचन की प्रक्रिया विधानसभा की शुरू हो चुकी है। आज पूर्व विधायक सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी जी ने कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में सहित पूरे रीवा जिले और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त रही है और उन जनता की आवाज़ को उन्होंने सुनने का काम नहीं किया, ऐसे में लक्ष्मण तिवारी से अनुभवी प्रत्याशी कोई सिरमौर विधानसभा में नहीं है और उनको राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण तिवारी भारी पड़ेंगे और सिरमौर की जनता 2023 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मण तिवारी को भोपाल भेजने का काम करेगी।